मॉर्निंग गाइस, तो सुबह के बज गए 5:30 और मैं जस्ट अभी अभी घर पहुंचा हूं। तो मेरी अब छुट्टियां हो गई हैं, जल्दी स्टार्ट। अब मैं 5:30 बजे फ्री हो जाऊंगा। डेली वर्किंग आवर्स कंपनी ने कम कर दिए हैं, क्योंकि कंपनी को लग रहा है कि इस समय हमारे पास काम बहुत कम है, लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, इसलिए कंपनी ने वर्किंग आवर्स कम कर दिए हैं। तो लगभग काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आ जाएगा। फ़िलहाल मैं घर पर हूँ और अभी अपने लिए बना रहा हूँ नाश्ता। ये कल की सब्ज़ी है, इसको थोड़ा सा कर रहा हूँ और मैं दिखाता हूँ मैं क्या बना रहा हूँ पहले, और फिर इस व्लॉग को मैंने सोचा 5:30 बजे से ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है, काफ़ी व्लॉग नहीं आ रहे यार, काफ़ी लोग बोल रहे हैं, गाली देते हैं तो लोग प्यार भी करते हैं, ये भी मुझे ध्यान रखना चाहिए। काफ़ी दिन से मैं भी सॉरी बोलना चाहता आप लोगों को यार, कि काफ़ी दिन से कोई भी व्लॉग नहीं आ रहा है, सॉरी यार व्लॉग बहुत डिले हो रहा है। तो ये बना रहा हूँ फ्रेंच फ्राई, गर्म कर रहा हूँ, उसके बाद अंडा बनाऊँगा। और ये एग करी है, इसको थोड़ा गर्म कर रहा हूँ तो ख़राब नहीं होगी, क्योंकि कल शाम को बनाई थी मैंने। तो फिलहाल ये बना रहा हूँ। तो मेरी फ्रेंच फ्राइज बेसिकली हो गई है। फ्रेंच फ्राइज पहले निकाल लेता हूँ, तो यार ये ब्राउन बहुत हो जाती है, फूल जाती है यार, हर बार मेरे साथ ऐसा होता है ना। मेरी फ्रेंच फ्राइज आ गई। तो गाइस, आज मुझे मिला चिकन, किसी ने मुझे चिकन प्रेजेंट करा, प्रेजेंट इन द सेंस कि चिकन वियतनाम की कोई डिश है चिकन की ना, वो मुझे प्रेजेंट करी। एक्चुअली कल क्या हुआ था, कल बहुत ज़्यादा बारिश थी, तो मैं कंपनी से जैसे ही निकला तो मैंने देखा एक लड़की थी बेचारी, बारिश की वजह से एक जगह खड़ी हुई थी। तो यार हम लोग इंडियन है, हम लोगों को पता है यार, लड़की की या किसी भी लेडीज़ की हेल्प हमें सिखाई जाती है हमारे घरों में, ठीक है। तो मैं मुड़ा और मैंने उससे पूछा कि प्रॉब्लम क्या हुई, बच्ची जैसी थी यार, छोटी सी थी लड़की, वो मैंने उससे पूछा प्रॉब्लम क्या हुई। सब उससे बातें करके निकल जा रहे थे। तो उसने मुझसे बताया कि प्रॉब्लम ये है कि मेरी जो साइकिल है, साइकिल ख़राब हो गई है, ठीक है, मेरी साइकिल ख़राब हो गई है, तो मैं घर कैसे जाऊँगी। तो फिर मैंने कहा यार, फिर मुझे इतना सोचा तो गया नहीं, मैंने उससे बोला एक काम करो, ये मेरी साइकिल की चाबी है, आप लेके जाओ, अपनी साइकिल यहीं छोड़ दो और मैं अरेंज कर लूँगा। बारिश काफ़ी थी, तो मैंने बोला किसी को मैं बुला लूँगा, किसी दोस्त को बुलाता हूँ, कोई आता है तो नहीं, तो मैं पैदल भी चला जाऊँगा, कोई बात नहीं, भीगते हुए कोई बात नहीं है। तो उसने बोला नहीं नहीं, फिर मैंने उसको जितनी इच्छा मतलब साइकिल, मैंने साइकिल उसको फाइनली दे दी। तो आज वो मेरे लिए लाई थी चिकन, ये काफ़ी भरा हुआ था, वैसे अभी खाली हो गया, तो लाई थी चिकन, वियतनामी डिश है, थैंक यू बोलने के लिए। तो उसने मुझे ये चिकन दिया और मैं आपको दिखाता हूँ मैं क्या बना रहा हूँ। जैसे आपने देखा कि मेरा ब्रेकफास्ट रेडी हो गया, तो उसके साथ मैंने राइस भी लगाए हैं, राइस 5 मिनट में हो जाएंगे। तो मैं अभी करता हूँ ब्रेकफास्ट, उसके बाद करते हैं कंटिन्यू व्लॉग। यार खाना खाते समय ना मुझे व्लॉगिंग करना पसंद नहीं है, कई बार मैंने करी है बट किसी ने बोला है तो करिए, तो मैं खाना खाता हूँ फिलहाल और फिर उसके बाद कंटिन्यू करेंगे व्लॉग। टिल देन बाय बाय, गुड इवनिंग गाइस। तो शाम के बज गए हैं 7 और मैं जा रहा हूँ कहीं घूमने, तो कहाँ जा रहा हूँ मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊँगा, अभी जाने के बाद ही पता चलेगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। फिलहाल अभी मैं बैठा हूँ ट्रेन में, जैसे कि आप देख सकते हो पीछे भी ट्रेन खाली, तो ट्रेन का वेट कर रहा हूँ, ट्रेन चलेगी थोड़ी देर में और मैं पहुँच जाऊँगा वहाँ पर, और मैं आपको जाके दिखाता हूँ कि मैं क्यों जा। तो गाइस फाइनली मैं पहुँच गया हूँ यहाँ पर जहाँ मैं घूमने के लिए आया हूँ, डेस्टिनेशन पे अपनी। तो मैंने आपको पहले नहीं बताया था क्योंकि मैं दिखाना चाहता था आपको डायरेक्ट। तो काफ़ी भीड़ है और मैं ये डबिंग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर काफ़ी शोर है, म्यूज़िक बहुत ज़्यादा है, तो मैं आपको डबिंग करके बता रहा हूँ। मैं देखने आया हूँ आज सांबा। सांबा मैंने भी कभी अपनी लाइफ में लाइव नहीं देखा है, मैंने भी हमेशा यूट्यूब में ही देखा है या मूवी में देखा है। तो मैं आपको सांबा दिखाने लाया हूँ आज, यहाँ पर सांबा है, तो इन्जॉय करो आप भी और मैं भी, लेट्स सी। Oh.
आपको ये व्लॉग पसंद आएगा, जितना मैंने इन्जॉय करा, कोशिश करा कि आप लोग भी इन्जॉय कर पाओ, जितना मैंने देखा वही आपको दिखाया है, तो इन्जॉय करना व्लॉग, अगर पसंद आएगा तो इसे लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करना मेरे भाई, थैंक यू सो मच, जितनी मेहनत होती है सब आपके लिए होती है।